हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिताज। आप देख रहे हैं टेक्निकल सिताज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जीएसटी से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे। आज 1 जुलाई है, आज से ही जीएसटी को लागू कर दिया गया। जो भी फेर बदलाव किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, वो जीएसटी आज 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीएसटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको कुछ बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप रेड कलर का जो बटन है उसको सब्सक्राइब करके दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल का आइकन होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ इस पर मैं डालूँ उसकी जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जीएसटी, जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स। दोस्तों, गुड्स सर्विस टैक्स यानी सामान पर लगने वाला टैक्स। अक्सर जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं वह सामान कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे से होकर आता है हमारे पास। ऐसा नहीं कि अगर कंपनी ने हमको 5 रुपये का बना के दिया तो डायरेक्ट हमको 5 ही रुपये मिलेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। 5 रुपये का है तो हो सकता है उस पर कुछ टैक्स, 2 रुपये, 4 रुपये, जो भी टैक्स बनता हो, टैक्स से गुजर के हमारे पास वो 5 रुपये का सामान 6, 7, 8, 9 जो भी फिक्स होता है उतने मिलता है। तो उन्हीं सब चीज़ों में फिर बदलाव करके कुछ चीज़ों को घटा दिया गया, कुछ चीज़ों में जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। वो सब लागू करके हमारे और आपके सामने इसको 1 जुलाई यानी आज के दिन से, आज की रात से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स नहीं लगाया गया है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को अगर हम उसकी बात करें तो भी उसको ये जीएसटी के दायरे से अलग कर दिया गया है, उसके बारे में अलग से वो लोग समझेंगे अपना। लेकिन जो रोज़मर्रा के सामान हैं और भी चीज़ें हैं उस सब पे कुछ ना कुछ टैक्स घटा के या बढ़ा के लगाया गया है। तो जो 200 में देखिए 4 प्रकार के दायरे आए हैं, 4 प्रकार को इसमें डिवाइड किया गया है परसेंटेज। जैसे 5%, 12%, 18%, 28%, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 0% टैक्स, यानी उस पर टैक्स, जीएसटी का जो टैक्स उस पर नहीं लगेगा। तो चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूँ जल्दी जल्दी में कि कौन सी चीज़ें 0% के अंतर्गत आती हैं, उसको आप जान लें। सबसे पहले है खुला खाद्य अनाज है, ताज़ी सब्जियां हैं, बिना मार का आटा है, बिना मार का मैदा है, बिना मार का बेसन है, लस्सी, दही, अंडे, दूध, गुड़। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, बच्चों की ड्राइंग और रंग की किताबें हैं, फूल भरी झाड़ू है, काजल, नमक, खजूर का गुड़ प्रसाद, बिना मार का प्राकृतिक शहद, खुला पनीर। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब 0% टैक्स के अंतर्गत आएंगी। और बाकी जो डिवाइड किया गया है टैक्स को 5% के अंतर्गत, वो सब चीज़ों को आप थोड़ा जान लें। चीनी, चाय पत्ती, खाद्य तेल, शिशु आहार, पैक्ड पनीर, काजू, किशमिश, पीडीएस, केरोसिन, घरेलू एलपीजी, जूते चप्पल, कपड़े, अगरबत्ती, कार मैट, चटाई और फ्लोर कवरिंग, ये सब चीज़ें 5% टैक्स के अंतर्गत आएंगी। बाकी जो 12% टैक्स जिस पे लगेगा लगभग, वो है मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, पैक्ड नारियल पानी, मोबाइल है, छाता है, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, सब्जी और सब्जियाँ, फल, नट्स और पौधे, ये सब और भी चीज़ें हैं जो है 12% टैक्स के अंतर्गत आएंगी। 18% टैक्स है, उसमें है केश तेल है, टूथपेस्ट है, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, प्रिंटर, कंप्यूटर, टॉयलेट्रीज, आइसक्रीम, सूप, ये सब चीज़ें 18% टैक्स के अंतर्गत आएंगी। 28% टैक्स के अंतर्गत दोस्तों च्युइंगम है, गुड़ है, कोकोआ रहित चॉकलेट है, पान मसाला है, पेंट है, शेविंग क्रीम है, हेयर शैम्पू है, डाई है, सनस्क्रीम है, मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल है, हेयर क्लिप्स है, सेव्स, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, डिशवाशर है, वाटर हीटर, सेरेमिक टाइल्स, वॉलपेपर, ये सभी चीज़ें 28% टैक्स के अंतर्गत आएंगी। और भी इसके अंतर्गत थोड़ा आगे पीछे करके कर दिया गया है दोस्तों। तो जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया गया, यानी 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 कैटेगरीज को डिवाइड करके अलग अलग प्रकार से टैक्स को लागू कर दिया गया है। तो हमें और आपको आज यानी 1 जुलाई से इन इन सभी चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करके जो भी टैक्स वहाँ पे लागू किया गया हम लोगों को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बारे में आप ज़रूर जान लें, क्योंकि बस केवल जीएसटी सुनने से मतलब ना रखिए, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है इस सब चीज़ों को। हमें और आपको पे करना है टैक्स, कोई बाहर से पे करने नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया बस इसको हटा दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है जो मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस आगामी दिनों में आने वाली हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।